हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवेंद्र और ये वीडियो एनआईडी के एम.डी.एस प्रोग्राम की फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन डिसिप्लिन की स्टूडियो टेस्ट के लिए है। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डेट प्रीलिम्स क्लियर कर ली है और आप स्टूडियो टेस्ट देने वाले हैं। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि वहाँ क्या पूछते होंगे और ये क्या लिखना होगा वगैरह वगैरह। अगर आपके पास कोई आइडिया है इसके बारे में तो आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं और बेहतर मार्क्स ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं 2016 में प्रीलिम्स क्लियर कर ली थी, बाद में मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैं इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्च किया लेकिन मुझे उतना कुछ मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, यानी कि इससे क्या होगा कि जो लोग अपीयर करने वाले हैं उसको काफ़ी फायदा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए वक्त गंवाते नहीं और शुरू करते हैं कि स्टूडियो टेस्ट में होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन की स्टूडियो टेस्ट है, यानी कि कैंडिडेट्स का जो एप्टीट्यूड है वो टेस्ट किया जाएगा फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन रिलेटेड। तो स्टूडियो टेस्ट हमारे टाइम 3 स्टूडियो टेस्ट थी फॉर द इंटरव्यू। तो स्टूडियो टेस्ट 1, 2 और 3 मैं एक के बाद एक आपको बताऊँगा। ओके, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। स्टूडियो टेस्ट 1 में क्या था? स्टूडियो टेस्ट 1 के अंदर 2 पार्ट्स थे, जीके का पार्ट और स्टोरी बोर्डिंग। जीके के पार्ट में क्वेश्चन दिए गए थे, वन लाइनर क्वेश्चन, उसके अंदर आपको सीधे क्वेश्चन लिखना था, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं थी। तो वो कल्चर रिलेटेड थे, फिल्म रिलेटेड थे, शेक्सपियर के भी 1-2 क्वेश्चन थे और कोट्स थे नॉवेल्स के, या तो फिर कुछ बुक्स के नाम भी पूछे गए थे, वैसे क्वेश्चन थे। और जनरल नॉलेज रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है वैसे। और स्टोरी बोर्डिंग के पार्ट में ये था कि आपको 7 फ्रेम दी चिपकानी थी 7 बॉक्स के अंदर, उसके बाजू में उसकी डिस्क्रिप्शन थी, उसके अंदर आप बैकग्राउंड नॉइस वगैरह वगैरह कुछ लिख सकते हैं, उसके बाजू में डायलॉग्स थे। तो 7 फ्रेम में से 1 फ्रेम ऑलरेडी चिपकाई हुई थी जो यहाँ आपको शायद दिख रही होगी, चेस बोर्ड वाली थी। बाकी के 6 फ्रेम आपको ऐसे सिलेक्ट करनी थी कि जैसे कि एक स्टोरी बने। और आपके पास जो ए4 शीट दी गई थी, कलर पिक्चर्स प्रिंटेड थे उसके ऊपर शायद 12 पिक्चर थे। तो उसके अंदर से आपको 6 पिक्चर्स ऐसे लेने थे कि आपकी स्टोरी कंप्लीट करें। तो वो स्टोरी थी लाइफ इज लाइफ नथिंग मोर। तो यहाँ मैं आपको एक के बाद एक वो फ्रेम्स दिखाऊंगा। ये एग्जैक्ट वैसी फ्रेम तो नहीं है क्योंकि वो नहीं मिली, तो मैंने उसके जैसी जो फ्रेम्स थी वो ढूंढी है, फ्रेम्स यानी कि फोटोज़। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला था सिटी व्यू का था, जैसे कि आप देख रहे हैं वो ऐसी कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर पेरिस का एफिल टावर होता है वैसा नहीं था कुछ, वो सिंपल सा एरिया, अर्बन एरिया था। वो आप अगर 10th फ्लोर पे खड़े हैं और बालकनी में से देख रहे हैं तो कैसा दिखता है वैसा ही दिख रहा था। एक ये फ्रेम थी। दूसरी थी टी सेलर था, जो 50-60 की एज वाला था, शायद 50 कम का भी होगा, लेकिन दिख रहा था कुछ ऐसा। और साथ में वो पूरी साग वगैरह बेच रहा था, जैसे कि आप अहमदाबाद में देख सकते हैं वो बेच रहा था। और टाइम धूप का था, समर का था, और ये दोपहर का शायद टाइम होगा वैसे, क्योंकि उसमें वार्म कलर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हुए थे। तीसरी फ्रेम थी, एक कुत्ता है वो दीवार के सामने सो रहा था और कुछ नहीं था, उसमें भी वार्म कलर यूज़ किए हुए थे, यानी कि समर का ही टाइम था। चौथी फ्रेम के अंदर क्या था कि 2 फ्रेंड्स हैं, वो साइड में एक रोड है उसके ऊपर वो जा रहे थे, तो बैकग्राउंड लाइट था और वो सब्जेक्ट से वो काफ़ी डार्क थे। तो ये शायद सुबह का या फिर शाम का टाइम था, और ऐसी एक फ़ोटो थी, वो दो शायद बात कर रहे थे और चलते चलते जा रहे थे और मैं नीचे से देख रहा हूँ और वो ओवर ब्रिज पे जा रहे, ऐसा कुछ था। पांचवा था बिरयानी थी शायद, क्योंकि चावल के साथ कुछ मिक्स किया हुआ प्लेट पे पड़ा था टेबल के ऊपर, सिर्फ वही था। उसके बाद की फ्रेम थी ओल्ड CRT TV, जैसा कि आपने देखा होगा इस फोटो में देख सकते हैं, उसमें साइड पैनल होती है, उसके अंदर स्विचेस होती है, तो वो थी। और बाजू में VCS पड़ती है, यानी कि वीडियो कैसेट्स, लेकिन ये फोकस था वो TV के ऊपर था, जैसे कि ऐसे TV पड़ा था और उसके बाजू में कैसेट्स थी और फोटो यहाँ से लिया गया था। और उसके बाद था
चाय के बागान होते हैं उसके अंदर जो महिलाएं काम करती है और पत्तियाँ लेती है और कलेक्ट करती है, वैसे ही आपको पता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चेस बोर्ड ऑन टेबल, वो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी उसके अंदर पेस्ट किया हुआ था और उसके अंदर डायलॉग भी शायद लिखा था, लेकिन मुझे वो याद नहीं है। चंडीगढ़ की डांसिंग गर्ल, रॉक गार्डन की डांसिंग गर्ल के बारे में आपने सुना होगा या तो आपने देखा होगा, तो उसका एक फोटो था। उसके बाद की फ्रेम में एक ऊंट था, उसको काफ़ी डेकोरेट किया गया था, वो शायद राजस्थान भी हो सकता है या फिर तरणेतर का मेला लगता है गुजरात में, वो भी हो सकता है। बैकग्राउंड में वो मेला दिख रहा था और जो फोकस था वो ऊंट के पूरा ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर ही था। उसके बाद जीप बहुत ही दूर जा रही थी, जैसा कि फोटो में दिख रहा है वैसा नहीं, वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। वैसा ही एक प्लेस था, यानी कि थार का डेजर्ट हो सकता है, तो उसके अंदर वो जीप बहुत दूर जा, टेलीफोटो लेंस से लिया गया था और जा रही थी। और उसके बाद फ्लावर्स थे, वो ऑर्किड भी हो सकते और दूसरों भी हो सकते, वो मुझे याद नहीं है। तो ऐसे स्टूडियो टेस्ट 1 ख़त्म हुई और स्टूडियो टेस्ट 2 के लिए हमें ऑडिटोरियम में भेजा गया। वहाँ क्या हुआ कि हमें 2-3 मिनट की एक क्लिप दिखाई गई और बाद में हमने पेपर जब देखा तो उसके अंदर क्या था, पहले देखे ये नहीं दिखाते कि पेपर के अंदर पूछने क्या वाले, आपको पहले देख लेनी है क्लिप, बाद में आपको वो दिखाएंगे, पेपर खोलने देंगे और आपको लिखना है। पहले हमने क्लिप देखी और बाद में हमें एक आधा पेज और एक पूरा पेज उसके अंदर स्टोरी कम्प्लीट करनी है। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वॉलिस ब्रिज पे एक रिक्शो में एक जो कैरेक्टर है लीड कैरेक्टर वो जा रहा था, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस थी, उसके अंदर वो लॉक था, लॉक मैकेनिज्म, तो लॉक की जो पैटर्न है वो ट्राई कर रहा था। 2-4 पैटर्न उसने ट्राई की और फिर कुछ हुआ नहीं, इसलिए उसने वो छोड़ दिया। दूसरे सीन में क्या है कि वो कहीं जाता है तो वो शायद लॉयर भी हो सकता है या फिर वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, वहाँ गया उसके सामने बैठा तो वो कुछ ऐसा बोले कि कहाँ थे अब तक, पता है कि फलाने फलाने भाई का जो है मिस्टर का अग्नि संस्कार भतीजी ने या फिर भतीजे ने किया। मैं वो लाइन एक्चुअल में मिस कर गया क्योंकि मैं वो पैटर्न से वो याद रख के उसके अंदर लिख रहा था। आप ऐसा मत कीजिए, आप पहले क्लिप अच्छी तरह से देख लेना। ये कन्वर्जेशन जब हो रही थी तो बीच बीच में फ़ोन आ रहा था वो लीड कैरेक्टर के ऊपर, और वो पुराने टाइप का फ़ोन था जिसके अंदर पूरा नाम नहीं लिखा होता, 3-4 अक्षर लिखे थे, बाद में डॉट 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 जैसे लिखा, छोटी स्क्रीन वाला फ़ोन होता है, तो उसके अंदर डॉक्टर SAH लिखा था और ये फ़ोन बार बार इंटरप्ट कर रहा था। तो बस वहीं क्लिप ख़त्म हो गई और हमें स्टोरी कम्प्लीट करनी थी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टोरी में क्या लिखेंगे, लेकिन उसको एक प्रॉपर एंड के साथ स्टोरी आपको लिखनी थी। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके ऊपर लिखा गया था कि वो किन बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे, तो आप वो खास ध्यान रखें कि आपको कैसे स्टोरी लिखनी है, ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है मार्क्स लेने में। तीसरी स्टूडियो टेस्ट के अंदर क्या था कि 2-3 मिनट की एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई वहीं ऑडिटोरियम में, और हमें कहा गया कि आपको उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ऑडियो क्लिप ऐसे थे कि पहले म्यूज़िक काफ़ी स्पीड में बज रहा था, बाद में वो जाके शांत हो गया एंड क्लिप एंड हुई तब तक, और उसके अनुसार क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि उसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आप रिकॉग्नाइज कर पाए, ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम हमें लिखने थे। वैसे क्लिप के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बज रहे थे, कोई वोकल्स नहीं था, और उसके बाद का जो क्वेश्चन था आपको स्टोरी लिखनी है 5 लाइन्स के अंदर 2 पर्संस के बीच में, तो स्टोरी कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई पति पत्नी का झगड़ा हो चुका है और वो झगड़ा कर रहे हैं लेकिन बाद में वो जाके सॉल्व हो जाता है और शांत हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और जो 21st को अपियर होने वाले हैं फिल्म वीडियो कम्युनिकेशन की स्टूडियो टेस्ट के लिए, उसको बेस्ट ऑफ लक, और मुझे यकीन है कि आप अच्छा ही करोगे, और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।